हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों से अपने गार्डन में कौन से नए फूल जो है खिले हैं, इन्हीं का जो है वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इम्पेशंस के फूल बहुत ही अच्छे से जो है खिल रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, डहलिया का एक प्लांट मैंने यहीं पर लगाया था, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं बहुत ही एक अच्छा फूल आया है। दोस्तों देखिए, बहुत ही बड़ा है इनका साइज़, और दो अलग से जो है बर्ड्स भी आए हैं दोस्तों। तो मैंने इस बार इनको बहुत ही लेट लगाया था और मुझे लग नहीं रहा था कि ये शायद अभी खिलेंगे, बट इन्होंने मुझे जो है फूल जो है मुझे दे दिए, और इनका कलर बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों, और एक डहलिया मैंने यहाँ पे लगाया था, तो इनमें भी बर्ड्स बन गए हैं, और मुझे लग रहा है ये येलो कलर्स में होंगे आई थिंक। और ऐसे भी कुछ नए नए फूल खिले हैं दोस्तों, तो उनको मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो उस साइड पे चलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ये गुलाब के लिए जो है चाय की पत्ती जो है सुखा के रखा है यहाँ पे। और इस साइड पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ नया सेटअप क्रिएट किया था कुछ दिन पहले। तो यहीं पे मैंने एक गुलाब जो मेरा बिल्कुल ही डाई अप हो चुका था, तो उनको मैंने ज़मीन पे लगाया था, तो वहाँ पर ये अच्छे से जो है बिल्कुल खिल नहीं रहे थे। तो मैंने इनको ज़मीन से निकाल कर जो है ये एक प्लास्टिक बैग में मैंने सारे मिट्टी वगैरह मैंने डालकर और इनकी जो है हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्रूनिंग करने के बाद ही देखिए, इनमें नए नए जो है ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं, और एक मुझे बहुत ही प्यारा सा ये फूल जो है मुझे अभी आज सुबह मुझे दिखा, तो मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इनका कलर, ये येलो रोज़ है, ये काफ़ी साल पुराना मेरा प्लांट था, बस इनकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुकी हुई थी। तो अगर हम इनकी मिट्टी भी चेंज कर देते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, इनकी सॉइल जो है हमें चेंज करते रहने चाहिए, अदरवाइज ये जो है बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने चाय की पत्ती डाली है, और ऐसे आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स आप इनमें डाल सकते हैं। तो अभी इनमें फूल बनना शुरू हो गए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिन में ये मुझे और ज़्यादा जो है फूल दें, और ये अच्छे से सरवाइव कर लेंगे, तो मैं इनको जो है बड़े से पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी। मैं प्लास्टिक बैग का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि ये स्टैंड पे ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, ज़मीन पे हम रख देते हैं तो काफ़ी ये गंदे से हो जाते हैं, आप देख सकते हैं पानी की बूंदे, बट स्टैंड के लिए एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसी तरह यहाँ मैंने बहुत सारे कटिंग्स मैंने लगाए हैं प्लास्टिक बैग में, तो आप देख सकते हैं ये सारे जो है इम्पेशंस के फूल हैं, बहुत ही अच्छे खिले हैं दोस्तों, बहुत सारे खिले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।